22 मार्च 1739 को ईरान के शासक नादिर शाह ने इसी दिन अपनी सेना को दिल्ली में नरसंहार करने की आज्ञा दी थी, जिसके बाद 58 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम हुआ था। आज ही के दिन 1890 में कोलकाता के रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले भारतीय बने। 1893 को इसी दिन चटगांव विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सूर्य सेन का जन्म हुआ था। 1923 में इसी दिन रेडियो के जरिए आइस हॉकी मैच का सीधा प्रसारण किया गया था। 1947 में आज ही के दिन भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचे थे।